सब्सक्राइब कर लो कैप्टन टट्स चैनल को और दबाओ इस घंटी के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई एम लियाकत तेगर एंड यू आर वाचिंग कैप्टन टट्स। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ब्लॉगर का कोर्स कर रहे हैं, तो उसकी एक नई क्लास के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम अब तक ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जिनमें हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ ब्लॉगर, क्रिएट गूगल अकाउंट, निच सिलेक्शन, ब्लॉग टाइप्स, क्रिएट ब्लॉग, ओवरव्यू ब्लॉगर डैशबोर्ड, चेंज ब्लॉगर टेम्पलेट, ब्लॉगर बेसिक सेटिंग्स, पोस्ट एंड कमेंट्स, मोबाइल एंड ईमेल सेटिंग्स, लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग्स, सर्च प्रेफरेंस एंड एक्स्ट्रा 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 जो भी है। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और डिलीट ब्लॉग के बारे में। सो इसको भी करते हैं हाईलाइट और करते हैं रेड, क्योंकि हम इसे आज कवर कर जाएंगे। सो आपने क्या करना है, अपना ब्लॉगर ओपन करना है, उसकी आपने सेटिंग्स ओपन करनी है और उसके नीचे आपके पास होगा अदर। जब आप अदर्स में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इम्पोर्ट एंड बैकअप। इम्पोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया है या आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है ब्लॉगर के अंदर और आपकी उस वेबसाइट को कोई मसला है या आप उसे शट डाउन करना चाहते हैं या उसमें कोई ऐसा इशू बना है कि वो डी इंडेक्स हो गई है या उस पर सर्चिंग ट्रैफिक कम है या कुछ ऐसा इशू चाहते हैं कि आप उसे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिंपल बैकअप कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको पूछेगा सेव टू योर कंप्यूटर, आप सेव कर देंगे तो वो आपकी ना एक एग्जामल फाइल बना के ना उसको सेव कर देगा आपके कंप्यूटर में। वो सारे का सारा ब्लॉग, उसके अंदर जितनी पोस्टें थी, जितने आपने पिक्चर्स जो कुछ था, कमेंट वगैरह, एवरीथिंग एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब बारी आती है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, आप दूसरे ब्लॉग में जाते हैं, आप वही सारा डाटा उसमें इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करके इम्पोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं फाइल। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम डाउनलोड्स पे जाते हैं तो जो हमने एक्सपोर्ट किया ये ब्लॉग है, अब उसे ओपन करते हैं तो आपके पास वो सारी की सारी फाइल्स जो हैं, जितनी पोस्ट और पेजेस होते हैं, जो कुछ भी होता है, सारा का सारा इम्पोर्ट हो जाता है। ठीक है, सो आप उसे इम्पोर्ट पे करेंगे तो कंप्यूटर से सारा डाटा आप में आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का या रिमूव का। सो डिलीट का मतलब यह है कि अगर आप ब्लॉग डिलीट करना चाहते हैं, आप अगर एक जगह से आपने एक ब्लॉग बनाया ना, आपके उस ब्लॉग में कोई इशू आ गया या गूगल ने उसे स्पैम कर दिया या उस पेपर कोई स्पैमिंग शुरू हो गई, तो आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, मगर आप नहीं चाहते कि आपका सारा आर्टिकल या कंटेंट जाया जाए, तो आप उसका बैकअप लें। बैकअप लेने के बाद डिलीट ब्लॉग पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड ब्लॉग करें, उसके बाद डिलीट इस ब्लॉग पर क्लिक कर दें तो 90 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग उड़ा दिया जाएगा आपको पूछे बिना ही। ठीक है, सो ये थी आपकी ये तीन सेटिंग्स, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।